नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी काफी वीडियोस अपलोड की है स्विच वर्ड्स को लेकर के। काफी ऐसे वर्ड्स है, काफी ऐसे नंबर्स है जो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिनके द्वारा आप अपने कई प्रकार की बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। और कितनी ही इच्छाएं ऐसी हैं जिन्हें आप पूरी कर सकते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। जो दुकानें बंद पड़ी हैं, जो शॉप बंद पड़े हैं, वहां पर आप इन वर्ड्स को बोले, ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। शादियां, अगर शादी रुकी हुई है, शादियां नहीं हो रही है घर में बच्चों की, उसके लिए भी वर्ड्स है। और इन चीजों को आप मनगढ़ंत चीज ना समझे, ये तमाम दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। दुनिया में ढेरों लोग इन चीजों के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, मूलांक के बारे में। ये तमाम चीजों का एक अलग ही फील्ड है। जो लोग मूलांक के बारे में जानते हैं, उनके पास तो हर जो भी आपकी जन्म तारीख है, उनकी मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर रखी है। न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना, ये तमाम चीजों का अस्तित्व है दुनिया में, तब ये चीजें इफेक्ट करती हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको फायदा नहीं हुआ, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जिनको नंबर लिखने के बाद जबरदस्त फायदा हुआ और उन लोगों ने तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखा कि यस, मुझे पैसे मिल गए। क्योंकि आप उपाय कर रहे हैं, 10 व्यक्ति उपाय कर रहे हैं, 100 व्यक्ति उपाय कर रहे हैं, उसमें से 10 लोग, 20 लोग ऐसे हैं जो कर तो रहे हैं पर जैसे कोई किसी चीज को ट्राई कर रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं है कि नहीं होगा ही होगा। जब आप किसी चीज पर पूरा विश्वास कर लेंगे कि यस, मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसका ये रिजल्ट आना है, तो उस रिजल्ट को आना ही है। जैसे कि आपने सुना होगा, जो लोग काफी एडवेंचरस है, जो लाइफ में बड़े बड़े साहस करते हैं, वो लोग सोच लेते हैं कि यस, मुझे तो इस पर्वत पर चढ़ना ही है, मुझे तो इस फील्ड में एडवेंचर करना है और मुझे इसका रिजल्ट पाना ही है। वे लोग कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपने मनोबल के जोर पर वो उस चीज को अचीव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए कि कौन सी चीज काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर की पॉजिटिविटी एंड नथिंग एल्स। तो जब आप कोई उपाय करते हैं या लाइफ का कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन ले किसी भी फील्ड में, खुद को तो पहले श्योर कर ले कि यस, इस काम को मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये होना है। जब तक आप खुद श्योर नहीं है, वो काम रिजल्ट कैसे करके देगा, है ना? आज फिर दोस्तों आपको एक ऐसा ही वर्ड बताने के लिए जा रही हूँ। इस वर्ड को आप मन ही मन जितना ज्यादा बोलेंगे, आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी। जिसके पास एक मकान है, उसके पास दो मकान हो जाएंगे, दो वालों के पास तीन हो जाएंगे। जिसके पास एक व्हीकल है, उसके पास दो तीन, मतलब जिस फील्ड में आप चाहते हैं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, उस दिशा में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जमीन मिलकत के नाम पर तो जबरदस्त इस वर्ड से फायदा होता है, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड आप अपनी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड हिस्से में ग्रीन रंग की पेन से लिख सकते हैं। हाथ पर लिखे, पैर पर लिखे, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। लिखना ऐसे है कि ये वर्ड आपको दिखाई दे, ठीक है। और दूसरा एक उपाय दोस्तों, इस वर्ड को आप व्हाइट रंग के पेपर पर ग्रीन पेन से लिख करके और आप इसको अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इस वर्ड को आप अपने पलंग के नीचे लिख सकते हैं, मतलब इस वर्ड के साथ आपको चिपक जाना है या इस वर्ड को आपको अपने साथ चिपका लेना है, ठीक है। ये वर्ड बहुत ही पावरफुल है। फिर से बता दूं कि इस वर्ड को आप मन ही मन जितना ज्यादा बोलेंगे, आप कोशिश करें कि सुबह और शाम 5-5 मिनट
आप नियम ले लें कि मैं बैठूंगा या बैठूंगी और कंटिन्यू इस वर्ड को बोलूंगी, जैसे कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं वैसे ही आपको इस वर्ड को बोलते रहना है। जब आप किसी भी कहीं, जब जैसे आप मकान देखने के लिए जा रहे हैं, जमीन देखने के लिए जा रहे हैं, जब आप ऐसा कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला, आप इस वर्ड को कंटिन्यू मन ही मन बोलते रहे। वर्ड है दोस्तों वाइंड फॉल। क्या है? वाइंड फॉल, WIND, वाइंड फॉल, FALL। ठीक है, इस वर्ड को आप कंटिन्यू बोले, बस बोलते रहे, आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, फैलेगी, बढ़ती ही चली जाएगी। जितना ज्यादा आप इसको बोल सकते हैं उतना ज्यादा आप इसको बोले। यदि आप चाहते हैं कि इस शब्द के द्वारा आप पानी को अभिमंत्रित करके यदि पीना चाहें तो आप कांच के ग्लास में पानी ले लें और अपनी लास्ट वाली उंगली को उस पानी के अंदर आप डुबो दें और उस पानी पर आप कंसंट्रेशन करें, अपने आप को कंसंट्रेट करें और इसी वर्ड को बार बार बोले और सोचें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती ही जा रही है। आपने यहाँ मकान रखा है, वहाँ मकान रखा है, आपने यहाँ जमीन ले ली, वहाँ फार्म हाउस रख लिया, आपने ये किया है, वो किया, ये सब कुछ हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है, क्योंकि ये सारी चीजों को होना ही है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं। व्यक्ति की सोच कभी खाली नहीं जाती, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो बोलता है और जो वो बोलता है वो कभी ना कभी तो उसकी लाइफ में होता ही होता है, वो चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले। ठीक है, मंत्र जाप क्या है? बार बार शब्दों को दोहराना, शब्दों पर कंसंट्रेट करना, उस मंत्र के देवी देवता को जागृत करके उस मंत्र के अंदर छुपी हुई अपनी इच्छा को जागृत करना, यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अपनी इच्छा को भेजना। मंत्र भी यही है, मंत्र कोई भी शब्द को आप बार बार रिपीट करो, किसी भी इच्छा को आप अपने अंदर संजो लें, उस काम को होना ही होना है। ये किसी आप ना टोना टोटका कहे ना इसे कोई उपाय कहे, ये प्रकृति का वो सत्य है जिसे जिसने मान लिया उसके लाइफ में वो काम हो गया। तो जो काम करें विश्वास से करें, इस वर्ड को जितना ज्यादा बोलेंगे, फिर से बता दूं, जिंदगी भर पैसों में खेलेंगे, हर सपना आपका पूरा होगा। तो करते रहे, ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।